ठीक है, चले जाना, पहले काम करके आओ। जी पिताजी। ठक 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 ठक, घर में कोई है क्या? हाँ हाँ आ रहा हूँ। कौन है आप? क्यों आए हैं? क्या नाम है आपका? मैं डाकिया हूँ, आपके लिए पत्र आया। लाइए जीतिए मेरा पत्र। हाँ देता। हाँ लीजिए आपका पत्र। आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर क्या होता है? आप अनपढ़ आदमी है। हाँ ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है मैं चलता हूँ। हाय हाय राम, इसमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो बाहर जाकर किसी से पढ़ने को कहना पड़ेगा। अरे भाई जी जरा सुनिए। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ आपको बुलाया। कहिए क्या काम है? आप जरा पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या हो है? जी बिल्कुल लाइए। अरे भाई इसमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बताऊं इसे? मैं कुछ बहाना बना देता हूं। भाई जी देखिए, इसमें बड़े छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं अभी अपना चश्मा लेकर आता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। भागो भागो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। कितनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। चश्मा लेने गए हैं या कोई हाथी उठाने? अब तो किसी दूसरे से पढ़ने को कहना पड़ेगा। अरे भाई जी जरा सुनिए। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ आपको बुलाया। हाँ मैं आता हूँ। कहिए क्या काम है? आप जरा पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल पढ़ के बता सकता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। चश्मा लेने गए हैं या कोई हाथी उठाने, और दूसरे का तो पता ही नहीं कहां से फोन आ गया। अरे बहुत शाम हो रही है, मैं घर जाता हूँ। खटखट खटखट खटखट, घर में कोई है? हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे शर्मा जी आप बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। आप तो इतना शांत हो गए? घर में कुछ काम था इसलिए। आइए बैठिए। ओके मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। अरे आपके हाथ में क्या है? अरे शर्मा जी क्या बताऊँ, सुबह से शाम होने को आई और मुझे पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है। अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो, आप जरा पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ जरूर। मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। देखिए भाई जी इसमें बहुत, इसमें अंग्रेजी भी लिखा है, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत बुरी खबर लिखी है। हाय हाय राम, इसमें क्या बुरी खबर लिखी है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा ना मैं चलता हूँ। शायद चुप कीजिए। नहीं फिर कभी। भागो भागो, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज ही मेरी दशा ना होती। अरे दरवाजा तो खुला है। पिताजी पिताजी, अरे ओ पिताजी मैं घर आ गया। अरे बेटा तुम कब आए? पिताजी मैं अभी आया, आपका ध्यान कहाँ था? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, सुबह से शाम होने को आई और मुझे पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है। और शर्मा जी ने तो कहा इसमें बहुत बुरी खबर लिखी है। आप टेंशन क्यों लेते हैं, तो कोई बुरी खबर नहीं होगी। दीजिए मैं पढ़ के बताता हूँ। अरे वाह बेटा तुम्हें पढ़ना आता है? जी पिताजी मुझे पढ़ना आता है। दीजिए मैं पढ़ के बताता हूँ।
इसमें लिखा है कि नानी जी की तरफ से पत्र आया है और नाना जी ने हमें चले गए। यह आवाज कैसी, रुकिए मैं बाहर देख के आता हूँ। अरे कौन है आप लोग, जाइए यहाँ से दीजिए। हाँ तो मैं यह कह रहा था कि इसमें लिखा है नानी जी की तरफ से पत्र आया है और नाना जी ने खूब खूब आशीर्वाद भेजा है और वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, यही तो लिखा है इसमें। ओ अच्छा अच्छा, यह बात है, मैं तो अभी यही पढ़ने आ रहा था। अरे वाह बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जितनी तक पढ़ोगे मैं इतनी तक तुम्हें पढ़ाऊंगा। धन्यवाद पिताजी, आज मुझे पता चला कि पढ़ाई की कितनी अहमियत होती है। जैसा कि आपने देखा कि अनपढ़ होने से कैसी तकलीफ हो सकती है, आपके आसपास या आपके घरों में